अथर्ववेद बल प्राप्त करना सूक्त 101 ऋषि अथर्व वंगीरा देवता बृहस्पति हे मनुष्य तू बलवान बन प्राण का बल बढ़ा शरीर पुष्ट कर और मोटा ताजा कर इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होने के पश्चात स्त्री को प्राप्त कर हे ज्ञानी पुरुष जिस उपाय से कष्ट को पुष्ट करते हैं और रोगी को निरोग करते हैं उस उपाय से तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग निरोग होकर और बलवान बने धनुष की डोरी के समान शरीर में बल और लचीलापन होने से और ऐसा बल प्राप्त करके हरिण पर रीच हमला करने के समान ना थकते हुए तू सदा हमला कर चार प्रकार का बल इस सूक्त में चार प्रकार का बल कहा है हर एक को यह चार प्रकार का बल प्राप्त करना चाहिए पहला यह वीर्य का बल है शरीर वीर्यवान हो दूसरा प्राण का बल बढ़े श्रम का थोड़ा सा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिए तीसरा शरीर की लंबाई चौड़ाई पर्याप्त हो मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो चौथा हर एक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो यह चार प्रकार के बलों का वर्णन है मनुष्य को ये चारों प्रकार के बल प्राप्त करने चाहिए वीर्य प्राण शरीर की वृद्धि और पुष्टि ये चार प्रकार के हैं हर एक मनुष्य को अपना शरीर इन चतुर्विद बलों से युक्त करना चाहिए कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा क्रश हुआ तो उसके उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यों से चिकित्सा करवा कर निरोग और हृष्ट पृष्ट बने उत्तम हृष्ट पृष्ट निरोग और बलवान मनुष्य ही स्त्री से संबंध करे अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे तथा मनुष्य बलवान बनकर सदा प्राकर्म करे अथर्ववेद परस्पर प्रेम सूक्त 102 ऋषि जमद अग्नि देवता अश्विन हो जिस प्रकार गाड़ी को जोते हुए दो घोड़े साथ साथ रहते हैं और साथ साथ चलते हैं उस प्रकार परस्पर का मन एक साथ रहे परस्पर विरोध ना करे जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी को अपनी ओर खींचता है उस प्रकार एक मनुष्य दूसरे के मन को खींचे और इस प्रकार के प्रेम के बर्ताव से मनुष्य परस्पर संगठित होवे त्वरा से कोई कार्य करना भाग्य प्राप्त होना अंजन आदि भोग विलास करना हर एक प्रकार का आनंद कमाना इत्यादि अनेक कार्यों में परस्पर की अनुकूलता परस्पर को देखना चाहिए यहाँ दशम अनुवाक समाप्त होता है अथर्ववेद शत्रु का नाश सूक्त 103 ऋषि उच्छोचनः देवता इंद्राग्नि बहुदेवतम ज्ञानी शूर मित्र न्यायकारी धनवान अश्ववान ये सब राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी अपनी शक्ति से शत्रु का संहार करे कोई डर कर पीछे ना रहे शत्रु सेना में जो पास वाले बीच के और दूर के सैनिक हैं उनका निवारण किया जावे और जो पास मिले उनको अपने अधीन किया जावे जो सैनिक झंडों को उठाकर छोटे छोटे विभागों में मिलकर हमला करते हैं उनका भी पूर्वोक्त प्रकार से नाश किया जावे शत्रु का दमन जिस समय राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो उस समय ज्ञानी जन शूरवीर मित्र दल के लोग न्याय करने वाले श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करने वाले ऐश्वर्यवान अश्व वाले अर्थात घोड़ों पर सवार होने वाले वीर नरेंद्र मंडल शूरवीर प्रकाशक आदि सब प्रकार के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर हर एक प्रकार से शत्रुओं का नाश करें और अपने राष्ट्र का बचाव करें इसमें कोई भी पीछे ना रहे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो हो सके वह हर एक मनुष्य करे और अपने राष्ट्र की रक्षा करे इस सूक्त में जो देवता वाचक नाम आ गए हैं वे देवों के दिव्य राष्ट्र के अनेक अहदेदार हैं देव राष्ट्र में अनेक कार्य निश्चित हैं वही कार्य करने वाले मानव राष्ट्र के अहदेदार उसी प्रकार के अपने अपने कार्य करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें यह इस सूक्त का आशय है जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहाँ करें और देव बन जाए अथर्ववेद शत्रु का पराजय सूक्त 104 ऋषि प्रशोचनः देवता इंद्राग्नि रहो देवताः शत्रु को पकड़कर उनको प्रतिबंध में रखने के द्वारा हम उनका नाश करते हैं उनके प्राणों का बल ही हम कम करते हैं तप के द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रु को बांध और उनका नाश कर सब देव शत्रु नाश करने के कार्य में हमें सहायता करें शत्रु को पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिए उसकी शत्रुता का प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ यह बात स्पष्ट है
अपने तप के प्रभाव से शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप ना होने से शत्रु प्रबल होता है। इस बात का हर एक मनुष्य अनुभव कर सकता है, इसीलिए इसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद, खांसी को दूर करना, सूक्त 105, ऋषि ही उन्मोचनः देवता काशः। मन, सूर्य, किरण और बाण इनका बड़ा वेग है। जिस वेग से ये आते जाते हैं, उस वेग से खांसी की बीमारी दूर होवे। संभवतः खांसी निवारण का उपाय मन के निरोग संकल्प और सूर्य किरण के संबंध में होगा। अथर्ववेद, घर की शोभा, सूक्त 106, ऋषि प्रमोचनः देवता दूर्वाशालः। घर के आगे और पीछे दूर्वा का उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकार के फूल उत्पन्न हो, वहाँ पानी का हौद हो और कमलों वाला तालाब हो। घर के पास जल के प्रवाह चले, घर का स्थान समुद्र के किनारे पर हो अथवा तालाब के मध्य में हो, और घर के दरवाजे या खिड़कियाँ आमने सामने हो। घर के चारों ओर जल हो, शीत जल की हौद हो, और यदि सर्दी अधिक हुई तो शीत निवारण के लिए घर में अग्नि जलाने का स्थान हो। घर के आसपास की शोभा कैसी हो, यह इस सूक्त ने उत्तम रीति से बताया है। घर के चारों ओर बाग हो, कमलों से भरपूर तालाब हो, जल के नहर बहे, उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय शोभा बने, ऐसे सुरमय घर के आसपास का स्थान होना चाहिए। घर के द्वार और खिड़कियां आमने सामने हों। जिस घर में शुद्ध वायु बिना प्रतिबंध आ जावे, घर में अग्नि जलती रहे, शीत लगने पर घर के लोग अग्नि के पास जाकर शीत निवारण का उपाय करें। पाठक देखें कि वेद ने कैसे उत्तम उद्यान युक्त घर की कल्पना की है। हर एक को अपना घर जहाँ तक हो सके वहाँ तक उद्यान और जल से युक्त करना चाहिए। अथर्ववेद, अपनी रक्षा, सूक्त 107, ऋषि शंताति ही देवता विश्वजीत। जगत को जीतने की इच्छा करने वाले रक्षक के सुपुर्द रक्षणीय वस्तु मात्र को करे, वह रक्षक सबकी यथा योग्य रक्षा करे। रक्षक उन सब पदार्थों को विश्व विजय के पास देवे और वह विश्व विजय सबको योग्य रक्षा करे। यह सब रक्षा सबके कल्याण के लिए हो, अर्थात सबकी रक्षा से सबका यथा योग्य उत्तम कल्याण होवे। कल्याण होने का अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानी के पास रहें, क्योंकि सब प्रकार का कल्याण ज्ञान से ही होगा। इस सूक्त से यह बोध प्राप्त हो सकता है। पहला, हर एक को अपने अंदर रक्षा करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। दूसरा, मैं विजय प्राप्त करूंगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करनी चाहिए। तीसरा, सबको अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए यत्न करना चाहिए। और चौथा, ज्ञानी की संगति में सबको लगना चाहिए। अथर्ववेद, मेधा बुद्धि, सूक्त 108, ऋषि शौनकः देवता मेधा। धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है, वह सब प्रकार के धन के साथ हमें प्राप्त हो। यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियों में रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसीलिए इसकी प्रशंसा हम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। सवेरे, दोपहर, शाम को तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सद बुद्धि प्राप्त हो और हमें सद उपदेश मिले। यह सूक्त बुद्धि की प्रशंसा पर है। मेधा बुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्य की विशेष योग्यता होगी। लोग ऋषियों का विशेष सम्मान करेंगे, इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है। ब्रह्मचारी गण गुरु के सन्निध्य रहकर इस बुद्धि को प्राप्ति की इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहने से ही मनुष्य इस परलोक में उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। कारीगर लोगों में एक प्रकार के धारणा बुद्धि रहती है, असुरों में विश्व को जीतने वाली महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियों में बड़ी सत्वगुणी बुद्धि रहती है। यह बुद्धि विशेष उच्च रूप में हमें प्राप्त हो। विशेषकर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियों में जो विशाल बुद्धि थी, वैसी बुद्धि हमारे अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः काल से सायंकाल तक अपने प्रयत्न से यह बुद्धि अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर एक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान हुआ तो वह इस बुद्धि को अवश्य प्राप्त कर सकेगा। अथर्ववेद, पीपली औषधि, सूक्त 109, ऋषि अथर्वा देवता पीपली।
पीपली औषधि उन्माद और वात अथवा महाव्याधि की औषधि है। यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायु के लिए पर्याप्त है। जो रोगी पीपली का सेवन करता है वह रोग से दुखी नहीं होता, वह इस औषधि की प्रतिज्ञा है। इस वात रोग और उन्माद रोग की औषधि का पता पहले असुरों को लगा, इसीलिए इन्होंने इसी को भूमि से उखाड़ा और पश्चात देवों ने इसको विशेष रूप से बढ़ाया। पीपली औषधि अकेले ही मनुष्य के आरोग्य के लिए पर्याप्त है। इतना निश्चय पूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्र में है। जो पीपली का सेवन करता है वह रोगी नहीं होता, यह बात द्वितीय मंत्र में विशेष रीति से कही है। इस विषय में वैद्य ग्रंथों में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। पीपली ज्वर नाशक, वीर्यवर्धक और मेद कफ श्वास खांसी ज्वर इनका नाश करती है। बुद्धि और भूख बढ़ाती है। शहद के साथ भक्षण करने से मेद कफ श्वास खांसी और ज्वर दूर करती है। बुद्धि और पाचन शक्ति बढ़ाती है। गुड़ के साथ भक्षण करने से जीर्ण ज्वर और अग्निमाशय दूर करती है। पीपली एक भाग और गुड़ दो भाग लेना चाहिए। इससे पता लगता है कि इस पीपली के सेवन से कितना लाभ हो सकता है। और देखिए, पीपली रसायन बुद्धि वर्धक है। इस विषय में चरक का कथन है। धीमे भुनी और पलाश के क्षार से मिश्रित पीपलियां शहद और घी के साथ मिलाकर सवेरे 3 और भोजन के पश्चात 3 खाने से उत्तम रसायन गुण प्राप्त होता है। यह रसायन बुद्धि वर्धक है। कमजोर बुद्धि वाले वैद्य की अनुमति के साथ इसका प्रयोग करें। दूसरा, पहले दिन 10 पीपली दूध में कषाय करके सेवन करना। दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, इस प्रकार 10 दिन करना। पश्चात 10 के अनुपात से न्यून करके 20 दिन तक सेवन करना। पौष्टिक चावल दूध के साथ खाना और जितना पचन हो उतना दूध पीना और घी भी खाना। यह उत्तम मात्रा है जो अशक्त है। वे 6 या 3 के अनुपात से भी सेवन कर सकते हैं। इसके गुण बहुत हैं। मनुष्य सुदृढ़ांग बन सकता है, परंतु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्य की अनुकूलता में ही करना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना रहेगी।